तो जी अभी हम आए हुए हैं सुखाबाद में, ऐसी जगह पे जहाँ की कचौड़ी बहुत ज्यादा फेमस है, जैन कचौड़ी वाले। और सबसे बेहतरीन बात है कि यहाँ का जो टेस्ट है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। और एक खास चीज आपको दिखाते हैं, वो भाई साहब हैं पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, पेड़ के ऊपर बैठ के उधर समोसे बनाते हैं, आप देख सकते हो। और बड़ा ही बेहतरीन पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा हुआ है इन्होंने, पेड़ नहीं काटा है, पेड़ के ऊपर ही पत्थर बिछा लिया, उस पत्थर के ऊपर बैठ के कचौड़ी बनाते हैं। तो ये बहुत बहुत ही बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण का प्रकृति का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? तो काफ़ी पुरानी दुकान है, 60-70 साल से पहले इनके पिताजी थे श्री नरेश चंद जैन, उनके नाम से थी। अभी उनका स्वर्गवास हो गया 2020 में, उसके बाद भाई साहब बैठते हैं। और ये किस चीज़ की सब्जी आप रखते हो? आलू, छोले, मटर है। आलू, छोले, मटर, और वो वाली किस चीज़ की है? आलू, छोले, मटर। अच्छा, आलू, छोले, मटर, ये आलू की रसीली सब्जी जो है। उसके बाद रायता भी आपको साथ में मिलने वाला है। इधर गर्मा गर्म कचौड़ी इन्होंने सेकी है, आप देख सकते हो, अभी निकाली है। जलेबी, इमरती, बेड़ी, बेड़ी पूड़ी आप ये देख सकते हो। और इधर ये मिर्ची बनाते हैं। उसके बाद जो सबसे अच्छी बात है कि ये नीम का पेड़ है, इसी में इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई हुई, इसी में जरूरत का सामान बिलना वगैरह सब कुछ इसी में रख देते हैं, चिमटा वगैरह, और यहीं से उठा लेते हैं। बढ़िया शुद्ध पेड़ की हवा मिलती है, पेड़ भी इनका बचा हुआ है, दुकान भी चल रही है। ये नहीं कि दुकान के बीच में पेड़ आ गया तो पेड़ को काट दिया, ना जी ना, पेड़ को नहीं काटा है, दुकान के अंदर पेड़ है तो दुकान भी चल रही है, पेड़ को भी बचा रखा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है। जब भी आप सुखाबाद में इधर आते हो तो यहाँ की बेड़ी कचौड़ी का आनंद आपको जरूर लेना है, टेस्ट जरूर करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। बाकी भैया से एक बार बात कर ले, भैया कैसा लगता है आपको टेस्ट जो है? कब से खा रहे हैं भाई साहब आप? अच्छा, सिरसागंज से आते हो? तो ये भाई साहब सिरसागंज से आते हो, जब भी चक्कर लगता है यहाँ की कचौड़ी जरूर ट्राई करते हैं। और साथ में आपको दो सब्जियाँ मिल रही हैं, सब्जियों के साथ में कचौड़ी मिल रही है। तो कितने रुपए की कचौड़ी होती है? 10 रुपए की एक, 20 रुपए की दो मिल रही है। और समोसे? वो तो एक ही बात है ना, 10 का एक ही बता दो, 10 रुपए का एक समोसा आपको यहाँ पे मिल रहा है। उधर गर्मा गर्म समोसे अभी सिकने जा रहे हैं। सीखो जी भाई साहब, ओए हो भाई साहब, बढ़िया समोसे आपको मिलने वाले हैं। और भाई साहब चढ़ गए अपनी ड्यूटी पे, उधर जाके फिर बैठ जाएंगे नीम के पेड़ पे। और भाई साहब बढ़िया मजा आता है ऊपर बैठ के? अच्छा लगता है? अच्छा लगेगा भाई साहब, आनंद आता है इनको। और ऊपर बैठ के पत्थर बिछा रखा, बढ़िया व्यवस्था, फैन वैन लगा रखा, यहीं पे बैठते हैं। इधर भाई साहब ये यहाँ की छोटी सी खोली इन्होंने यहाँ बना रखी है। और पेड़ पे बैठ के तो एक ताजी हवा का आनंद अलग ही महसूस होता होगा। हाँ, पेड़ की छाव में रहना बहुत अच्छी बात है। ये नीम का पेड़ है, बहुत पुराना नीम का पेड़ है, जैसे इसकी जड़ें यहाँ पे फैली हैं सुखाबाद में, ऐसे ही इनका टेस्ट फैला हुआ है जैन कचौड़ी वालों का, आप देख सकते हो। बाकी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, काउंट करके समोसे डालें, कितने समोसे डाल दोगे जिसमें है? अभी काउंट करके बताएंगे, बहुत सारे समोसे सिकने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात है, अभी भी बाकी बचे हुए हैं, अभी और डालोगे। 100-100 में से डालते हो तो कभी 100 समोसे एक बार में सेक देते। ये देखो और डाल रहे हैं समोसे के अंदर, पूरे 100 समोसे डाल लेंगे हैं। ये लो जी, हो गए 20, तो 20 समोसे और बढ़ा लिया, 100 समोसे इसमें हो गए। तो ये समोसे बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं। और कितना टाइम लगे इन्हें बनने में? 15-20 में बन जाते हैं। भैया आपको कैसा लग रहा है टेस्ट? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देवी है। तो ये कैसा आपको टेस्ट लगता है? बढ़िया, आनंद आ रहा है। एड्रेस की बात कर लेते हैं एक बार, भैया से एड्रेस पूछ लेते हैं एक बार, एड्रेस बता दो यहाँ का एड्रेस। बड़ा बाजार, बड़ा बाजार में जैन जी के नाम से श्रेष्ठ चंद जैन। जब भी आप आते हो ये गली आप देख सकते हो, इसी में जो है ये खड़े होते, मतलब यहीं पे इनकी दुकान है और यहीं पे ये रहते हैं, इस आप देख सकते हो गुरुद्वारे के सामने। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जब भी आप इधर आते हो तो यहाँ की कचौड़ी जरूर ट्राई करना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू भाई।